नमस्कार मित्रों, श्री राधे। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद, आपके पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग पे। मित्रों, माघ मास में स्नान का विशेष महत्व होता है। इस महीने में गंगा स्नान, गंगा के किनारे निवास करना, यह विशेष शुभ होता है। लेकिन हर आदमी यह काम आज के युग में नहीं कर पाता है, चाहे उसका कारण उसका स्वास्थ्य हो, पारिवारिक जिम्मेदारियां हो, नौकरी हो, शिक्षा हो या एक उम्र हो, तमाम समस्याएं आती हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि मौनी अमावस्या किस दिन है, कैसे आप घर पर भी कुछ ऐसी क्रियाएं करके गंगा स्नान का लाभ पा सकते हैं। ऐसे आप गंगा स्नान करें इस डेट पे, इस तिथि पे, इस दिन विशेष शुभ होगा। लेकिन जो लोग नहीं जा पा रहे हैं गंगा स्नान, मैं उनके लिए भी एक उपचार बताऊंगा। दान के संबंध में भी मैं आपसे कुछ बात करूंगा, क्योंकि इस दिन दान करना विशेष शुभ होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और हमारे जो दर्शक हैं, अगर उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम अपनी बात को शुरू करते हैं। आज हम पंचांग लेकर बैठे हैं। माघ कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या माघ के श्रेष्ठतम दिनों में से एक है। इस दिन गंगा स्नान का लाभ इतना ज्यादा शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है अश्वमेघ यज्ञ के बराबर आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अश्वमेघ यज्ञ आपने सुना होगा, यह अपने आप में एक श्रेष्ठ और अद्भुत यज्ञ है। यह कार्य देवताओं द्वारा किया जाता है, यह श्रेष्ठ राजाओं द्वारा। उससे जो फल की प्राप्ति होती है, मौनी अमावस्या के दिन गंगा स्नान से वही लाभ होता है। कहा जाता है कि अगर 3 दिन पहले ही जाकर आप गंगा नदी के किनारे निवास करते हैं, प्रतिदिन गंगा स्नान सुबह और शाम दोनों वेलाओं में करते हैं, तो आपको विशेष पुण्य का लाभ होता है। कहा जाता है कि कई जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ये तो एक शुभ और अद्भुत स्थिति है। जो लोग नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे रहते हैं, स्नान करने का शुभ अवसर पा रहे हैं, वो प्रभु के द्वारा ब्लेस्ड हैं, उनको प्रभु का आशीर्वाद मिला है। हाँ, अब हम इस वीडियो में उन लोगों के भी बारे में बात करेंगे जो गंगा नदी के किनारे पहुंच नहीं पा रहे हैं और दान वहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इस दिन दान का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि गंगा नदी के किनारे आप कंबल दान करें, काला तिल दान करें, आंवला दान करें, ब्राह्मणों की सेवा करें, नवरत्नों का दान करें, अपनी यथाशक्ति के अनुसार वस्त्रों का दान करें, भोजन योग्य सामग्रियों का दान करें, जो भी आपकी क्षमता है उन सब चीजों का दान करें, आपको विशेष लाभ होगा। और आपके पास अगर स्थितियां अनुरूप हो तो आप अवश्य गंगा नदी के किनारे 3 दिन बिताएं और धार्मिक रूप से अनुष्ठान करें, चाहे प्रभु की पूजा करें, चाहे आप कोई व्रत रखें, कुछ न कुछ इन 3 दिनों में जरूर करें। अब हम बात करते हैं उन गृहस्थ लोगों की जो पारिवारिक जिम्मेदारियों के नाते, अपने नौकरी और व्यवसाय के नाते, या स्वास्थ्य संबंधी समस्या के नाते, शिक्षा संबंधी समस्या के नाते, अपने बालकों के नाते नहीं जा पा रहे हैं। गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। जो लोग गंगा स्नान नहीं कर पा रहे हैं, अपने घर में गंगा जल हो, बाल्टी में शुद्ध जल रखकर उसमें गंगा जल की कुछ मात्रा मिला दें, काला तिल भी उसमें मिला दें। मिलाने के बाद
मन में गंगा जी का ध्यान करें और महसूस करें कि गंगा जी का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो रहा है और इस जल में गंगा जी का वास है और उसी जल से स्नान करें। स्नान किए हुए जल को कोशिश करें नाली में ना जाने दें, ऐसी जगह पर डालें जहां पर गंदगी ज़्यादा ना हो। इसके लिए आप वैकल्पिक रूप से चाहे छत पर स्नान करिए, धूप से चीज़ें सूख जाएंगी, या किसी टब में स्नान करिए, जल को ले जाकर किसी शुद्ध जगह पे या पेड़ पौधों में डाल दीजिए। मौनी अमावस्या की डेट की अगर बात की जाए तो पंचांग कहता है 11 फरवरी को दिन गुरुवार को मौनी अमावस्या है। मौनी अमावस्या रात 11:47 तक रहेगी और यह 10 तारीख को ही लग जाएगी, लेकिन उदया तिथि में 11 तारीख को है, अतः 11 तारीख को ही आप मौनी अमावस्या को मनाएंगे। ये तो स्नान की बात हुई, डेट की बात हुई। अब हम बात करते हैं दान के संबंध में। यह डेट, यह तिथि अपने शुभ फल के लिए जानी जाती है। इस दिन दिया हुआ दान आपको ज़्यादा फल प्रदान करता है। अगर आपको जरा सा भी पता हो कि आपकी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है तो शनि से संबंधित चीज़ों के लिए यह शुभ है कि आप दान करें यह टाइम, और आपको विशेष फल होगा। यह काम केवल आप शनि के लिए ही नहीं कर सकते हैं, सूर्य चंद्र मंगल सबके लिए कर सकते हैं। जैसे कोई कन्या है उसका विवाह नहीं हो रहा है और कुंडली में ज्योतिषियों ने, विद्वानों ने आपसे कहा है कि बृहस्पति खराब है, खराब भाव का मालिक है, तो आप कन्या के हाथों से पीली चीजों का दान करवाइए। पीला अनाज, पीला वस्त्र, पीली हल्दी, इन चीजों का दान करवाइए। और गंगा स्नान मैंने जिस विधा से बताया, इस विधा से कराने के बाद करवाइए। कोशिश करिए, संकल्प जरूर पढ़िए। संकल्प के संबंध में मैंने पहले भी कहा, अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, किसी विद्वान से आप संकल्प नहीं पढ़वा पाते हैं, क्योंकि ये दोनों स्थितियां उत्तम हैं। लेकिन अगर ये दोनों कार्य आप नहीं कर पाते हैं तो आप स्वयं अपना नाम, गोत्र, पिता का नाम, जिस स्थान पर रहते हैं, जिस दिन, घड़ी, पल, तिथि, राशि, ढेर सारी चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आपसे बन पड़ती हैं, उन चीज़ों को लेकर, नाम लेकर प्रभु से प्रार्थना करने के बाद ही आप दान करें। और आपका जो लक्ष्य है, जिसके लिए, जिस भाव से आप दान कर रहे हैं या जिस भाव से आप पूजा कर रहे हैं, उसको भी आप अपने संकल्प में बताएं। जैसे बालिका का विवाह नहीं हो रहा है तो आप यह जरूर कहें कि विष्णु जी, गुरुदेव महाराज, आप हमारे विवाह में आ रही बाधा को समाप्त करें और इस स्थिति से हमको बाहर निकालें। इस सारी स्थितियों के आप हमें शुभ स्थिति में ले आए। इसी तरीके से आप नौ ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसके लिए आप दान कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने डेट बताई 11 फरवरी, दिन बताया गुरुवार, दान स्नान की विधा बताई, इसके क्या शुभ फल हैं। ऐसी ही वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें। हमसे बात करने के लिए दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, अपने वास्तु के बारे में आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी
हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।